Hi students, my name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे 11th, 12th साइंस नीट CET का प्रिपरेशन करने वाले जितने बच्चे हैं, उनको 12th में एक टॉपिक दिया है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें एक बीट है डिजीज है कैंसर, ड्रियडेड डिजीज, और कैंसर में एक बीट है दैट इज डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर. कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, काफी सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन अक्सर इसी पे पूछते हैं. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट डिटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कैंसर. बच्चों, ऐसे हैं कि आपको पता है, आपने पढ़ा है, कैंसर इज ड्रियडेड डिजीज, बहुत डेंजर और खतरनाक बीमारी है. दैट्स वाई early डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज वेरी essential. कैंसर के शुरुआत के स्टेज में अगर ये कैंसर आइडेंटिफाई होता है ना, तो इट विल बी इजी टू ट्रीट द कैंसर वेरी सेफली एंड इन डिफरेंट वेज. सो early डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज essential. इट allow द डिजीज टू ट्रीट इन डिफरेंट वेज. डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज डन बाय डिफरेंट वेज. बहुत सारे ये अलग अलग मेथड्स हैं जिनके जरिए हम कैंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सबसे पहले और सिंपलेस्ट मेथड मैं जब बताऊंगा आपको, जो बुक में दी नहीं है, उसको हम बोलेंगे BSE. यहां पे लिखा भी नहीं है मैंने. BSE का माना है, मतलब है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन. जिस किसी पर्सन को डाउट है, अपने आप को चेस्ट पालपेट करने के बाद अगर लगता है कि कहीं पे गांठ है, कहीं पे नोडल टिश्यू है, तो दिस इज द रेड सिग्नल फॉर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर. दिस टेस्ट इज नोन एज BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट. साइड बाय साइड बहुत सारे कैंसर के अलग अलग टेस्ट होते हैं. स्पेशली कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैन बी डन बाय द बेस्ट मेथड नोन एज बायोप्सी. आपके लिए मैंने यहां पे स्केच किया है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ डिफरेंट टिश्यूज इन द माइक्रोस्कोप थ्रू पैथोलॉजिस्ट. अब क्या होता है ये बायोप्सी? बायोप्सी का मतलब ऐसे है, जिस किसी टिश्यू में कैंसर की ग्रोथ हो रही है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो टिश्यू को, सेल को, पार्ट को कट करते हैं, वो टिश्यू का मास बल्क लेते हैं और उसको पैथोलॉजी लैब में सेंड करते हैं. वो जो कैंसर कॉजिंग सेल का मास है, एबनॉर्मल मास है, टिश्यूज की ग्रोथ है, अन एबनॉर्मल ग्रोथ है, उसके सेक्शन बनाए जाते हैं, ऐसे क्रॉस सेक्शंस, थिन सेक्शंस ऑफ दिस अफेक्टेड टिश्यूज आर स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज और पैथोलॉजिस्ट्स, एंड दिस इज नोन एज बायोप्सी. फिर बायोप्सी के बाद में डॉक्टर को पता चलता है कि वहां पे कैंसरस सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स है, फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये पार्ट में कैंसर की स्टेज है और ये पार्ट का हमको सर्जरी करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा. सो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर विच इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ अफेक्टेड टिश्यूज एंड इवन ब्लड, इवन टेस्टिंग ऑफ बोन मैरो टेस्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ WBCs. जैसे मैंने आपको टाइप्स में बताया, ल्यूकेमिया, एबनॉर्मल ट्रेमेंडस इंक्रीज इन WBC ल्यूकोसाइट काउंट इज द इंडिकेशन ऑफ कैंसर, दैट इज ल्यूकेमिया, WBC कैंसर. इसलिए WBC सेल का काउंट भी चेक करना इस समय पर जरूरी होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ कैंसर. इवन बोन मैरो टेस्ट ऑल्सो हेल्प इन डायग्नोसिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर. राइट, साइड बाय साइड अगर चेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, चेस्ट में कहीं भी लंग कैंसर है, तो उसके लिए भी और मेथड्स हैं. एक सिंपल मेथड है मैमोग्राफी. मैमोग्राफी इज द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर. इतना ही आपको ध्यान में रखना है, जहां पे ब्रेस्ट का एक एक्सरे लिया जाता है और कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिसमें हम ढूंढ पाते हैं ब्रेस्ट कैंसर. अनदर थिंग इज अबाउट रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी में भी एक्सरे किया जाता है, एक्सरे चेस्ट, एक्सरे ऑफ एनी पार्ट फॉर डायग्नोसिंग, फॉर आइडेंटिफाइंग द एबनॉर्मल ग्रोथ और ट्यूमर और कैंसर. देन अबाउट CT स्कैन, जिसको हम बोलेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी. ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों. CT स्कैन का मशीन
और MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जो मशीन्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत डेलिकेट ऐसे डिवाइस होते हैं। सीटी स्कैन में होता क्या है, सीटी स्कैन में एक्सरे यूज किए जाते हैं, ये एक्सरे बॉडी के आर पार जाते हैं और अंदर जाके बॉडी के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी ट्यूमर है, जो भी कैंसर है, जो भी ऑर्गन है, उसका 2D का 3D इमेज लेते हैं। सो सीटी स्कैन इज कंप्यूटर टोमोग्राफी, इट यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल्स और इंटरनल ऑब्जेक्ट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट कैंसरस लीजन्स। With this, another most expensive device and machine is MRI scanning. MRI का मतलब है, मतलब पहले full form आपको ध्यान में रखना है, magnetic resonance imaging, having strong magnetic field, and it uses again rays, non-ionizing radiations, and also with a strong magnetic field. इसका magnetic field इतना strong होता है कि वो machine के अंदर जाने के बाद अगर गलती से एकाध भी gold का ornament या तो कुछ भी ऐसे iron का अगर device है, even buttons या तो hair clip भी जो होते hair pin, वो भी अगर person के साथ चला गया ना, तो पूरा person वो machine में अटक जाता है और death हो सकती है। So it has a very strong magnetic field. अब इसमें होता क्या है, this is a safe, accurate and safest method. आपको question पूछेंगे बच्चों, which one of the following is the most accurate and most safest method that accurately detect the pathological and physiological changes in the tissues. तो ये जो इसके rays है, non-ionizing radiations और rays, इसका imaging पूरा deep internal organs तक जाता है और organs के अंदर, tissues के अंदर, cells के अंदर जो pathological मतलब abnormal physiological changes हो रहे हैं, वो changes detect होते हैं और deep layer में कहीं भी छोटा भी cancer है तो इसे detect होता है MRI scanning. So it's a very important, most accurate and safe method for detecting different types of cancers. Here another test is given for cervical cancer is PAP test. PAP, PAP नहीं, PAP, PAP test. This is the test used for cervical cancer, female genital organs में cervix का, vaginal part का अगर cancer है तो that test is done known as PAP test for detecting cervical cancer with that antibodies. ऐसे होता है कि बहुत सारे individuals में जब भी कभी cancer होता है तो उसमें कुछ antibodies produce होते हैं, that is detection of antibodies against the cancer specific antigens. जो भी individuals में cancer staging, cancer के stages cause हो रहे हैं, उसके detection में blood में या antibodies, plasma में antibodies form होते हैं, मिलते हैं. Another most important thing is techniques of molecular biology. बहुत important है, evolving branch है biology की, molecular biology, जिसमें genetic identification हम form कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जरिए अगर जीन टेस्टिंग की है तो जो पर्सन, जो इंडिविजुअल्स में हेरिडेटरी कैंसर के चांसेस है, मतलब ऐसा पर्सन जिसको आगे चल के कैंसर हो सकता है बिकॉज ऑफ हेरिडेटरी ट्रांसमिशन, पैरेंटल जो पैटर्नल मैटर्नल जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स है जो ऑफस्प्रिंग में आते हैं, वो क्रोमोसोम, वो जीन्स अगर डिटेक्ट होते हैं किसी इन्वेस्टिगेशन में तो डॉक्टर्स उनको एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डिफरेंट कार्सिनोजेनिक एजेंट्स. ऐसे पर्सन अगर स्मोकिंग से या तो टोबैको च्यूइंग से अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वो अवॉइड करते हैं तो वो कैंसर से बच सकते हैं. फॉर दैट एडवाइस दिस टाइप्स ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स टू डिटेक्ट द जीन्स इज इंपॉर्टेंट. सो दीज आर वेरियस डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस. अब इनमें से कोई भी पॉइंट के ऊपर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एवरीथिंग एनसीआरटी में जितना है अदर देन एनसीआरटी, पूरे कंटेंट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, इसके नोट्स बनाना है और आप डेफिनेटली अगर आपको पूरे पॉइंट्स समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर करना भूलना नहीं, और अगर आप न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.